नगरपालिका अने तालुका वहीवटी तंत्र द्वारा चार स्थल उपर गणपतिनी मूर्तिनुं विसर्जननी व्यवस्था करवामां आवी रही छे। हासोद रोड उपर पुरुषोत्तम बाग नजीक बे आर्टिफिशियल पॉन्ड बनावानी कामगीरी शुरू करी छे। અંકલેશ્વરમાં એક તરફ ગણેશ મંડળના નર્મદા નદીમાં વિસર્જનને લઈ મક્કમ જોવા મળી રહી છે અને આર્ટિફિશિયલ પોન્ડમાં વિસર્જન બાદ ધાર્મિક લાગણી દુભાવાના દ્રશ્યોને લઈ છેલ્લા બે વર્ષથી આ મુદ્દે ગણેશ મંડળોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે। ચાલુ વર્ષે ગણેશ ઉત્સવ પૂર્વે જ નર્મદા નદીમાં વિસર્જન માટેની મંજૂરી માગી હતી, જો કે તે મળી નથી। एक तरफ नर्मदा नदी में मूर्ति विसर्जन ने लई तंत्र द्वारा एनजी कोर्टना निर्णयनो हवालो आपी रही छे, तो बीजी तरफ गणेश मंडळो पण नर्मदा नदी में विसर्जन माटे मक्कम जोवा मळी रह्या छे। आ वच्चे गणेश विसर्जनना आड़े हवे गणतरीना दिवसों बाकी रह्या छे, त्यारे अंकलेश्वरमां नगरपालिका अने तालुका वहीवटी तंत्र द्वारा गणेश विसर्जन माटे हासोद रोड पर आवेला पुरुषोत्तम बाग सामे आवेली जग्यामां बे आर्टिफिशियल पॉन्ड बनावानी कामगीरी शुरू करवामां आवी छे। साथे बोरबाठा गाम नजीक आवेला जळकुंड खाते तेमज जळकुंडनी बाजूमां आवेल जग्यामां आर्टिफिशियल पॉन्ड बनावानी कामगीरी शुरू करवामां आवी छे। जळकुंड खाते 9 फूट सुधीनी मूर्तिनुं विसर्जन करवामां आवशे, तेमज अन्य 3 आर्टिफिशियल पॉन्डमां नानी मूर्तिओनुं विसर्जन करवानी व्यवस्था ऊभी करवामां आवी छे। आगामी गणेश विसर्जन माटे अंकलेश्वर नगरपालिका तथा तालुका वहीवटी द्वारा पुरुषोत्तम बाग सामे हासोट रोड पासे 2 कुंड बनावामां आवेला छे, तेमज जळकुंड पासे 1 कुंड कृत्रिम कुंड बनावामां आवेल छे, तेमज जळकुंडनी अंदर पण आ साल आपणने मूर्ति विसर्जन माटे मंजूरी आपेली छे। एम नगरपालिका द्वारा कुल मळीने आ 4 स्थळोए गणपति विसर्जन माटेना नक्की करवामां आवेला छे, तेमज 9 फूट सुधीनी जे प्रतिमाओ छे ए जळकुंड खाते एमनुं विसर्जन करवानुं रहेशे।